ठहरो, कहे ये दोनों जो है वो जल नहीं चढ़ा सकते। हाथी दांत का चूड़ी पहनिए। कोई तो कुछ बताइए कि क्या करना होगा। दंड जो है वो स्वीकारना होगा। है दंड स्वीकारना होगा। अगर ये लोग दंड नहीं ना स्वीकारेंगे तो रागिनी और अनुराग का जो जोड़ा है वो हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। आज सूर्यास्त के पहले रागिनी बहू भगवान शिव के मंदिर में जा करके जलाभिषेक करे। शिव जी का अभिषेक अब सूर्यास्त से पहले ही होगा। 2 मिनट बाकी रह गया है सूर्यास्त होने में। कभी नहीं पहुंच पाएगी मंदिर तक। किसी भी हाल में ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। बाबू मान गए तुमको। है जबरदस्त प्लानिंग है इस बार का। तुम्हारे पैर ठीक है ना? तुम्हारा पैर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोच क्या लग रहा है हमारे पैर। रागिनी देखो तुम कर सकती हो। समय बहुत कम बचा है लेकिन हम करेंगे। भाभी तुम्हें तो प्यार करने वालों की ताकत का ना अंदाजा नहीं है। आज की बाजी तो ये दोनों बच्चे ही जीतेंगे। अब कर दो फोन विकराल सिंह जी को। क्या रही है उनकी प्यारी सी बिटिया घर वापस। शाबाश बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। संभाल के बेटा। है रागिनी हार मत मानना, बस थोड़ी ही सीढ़ियां बची है। Congratulations रागिनी, तुमने कर दिखाया। रागिनी पहले पानी पी लो। लो भाभी, आज से तो है ना हम आपके और भी बड़े फैन हो गए। लीजिए शिव जी का प्रसाद लीजिए। हाँ विशु भैया, हम तो डर गए थे। हमें तो लगा था कि हो ही नहीं पाएगा और फिर हुई हमारे भैया की एंट्री। उन्होंने रागिनी भाभी को गोद में उठा लिया और पूरी सीढ़ियां आराम से चढ़ के यहाँ पे जल चढ़ा दिया। तो आपके भैया है ही हीरो, लेकिन खलनायक की कमी थी। अरे मेरी प्यारी भतीजी, खलनायक तो था। मूवी बिना खलनायक के कभी पूरी ही नहीं होती। कभी कभी खलनायक दिखते नहीं, बस पीछे से वार करते, हालात बनकर, है ना भाभी? वो आपकी आधी बातें तो है ना हमको समझ ही नहीं आती। आई खुश रहो, हाँ जुग जुग जियो, तुम दोनों जाओ सदा खुश रहो। वाह बहू रानी, आज तो ना तुमने जो हमारा दिल जीत लिया है, हमको और पूरा परिवार को जाना तुम पर बहुत ही गर्व है। सचमुच है, हम इतना प्यार जो है ना आज तक फिल्मों में ही देखे हैं सिर्फ। वो बात तो ठीक। वो कहते हैं ना कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हाथ में थे हम भी बड़े काम के। Congratulations, Ragini. अरे क्या है ये? कहा तुम चटनी पर खीस उतार ले हुआ? इसे कुछ होने वाला है। हम तो कहते हैं आज असली चटनी तो तुम्हारे इज्जत का बनाए, हम क्या कहें तुमसे। खाओगी अखरो? आपको बात कहे, हमको तो लगता है कि तुमको घर दुआर का मुंह माया छोड़ के ना एकदम संन्यास लेके निकल लेना चाहिए। का है कि कोनो जबरदस्ती या तुम्हारे ऐसी में से अचरा में से चाबी खींच ले, धक्का मार के घर से निकाल दे, उसे तो यह नहीं मन रहेगा ना। का चटनी तुम अभी ना तुम्हारा चटनी बनाते हम रुको। अरे कहे तो जान पर का बस गई हो तुम्हें, सारा दुश्मन हमरे। खाओ और ये खा के ना अपना दिमाग तेज कर लो। अरे कोने में बैठकर चुपचाप देखो कि हम क्या करते हैं। कहे कि हमारा नाम है ना रेवती सिंह है। चोट लगने के बाद ना हम और खतरनाक हो जाते हैं। अब देखना हम क्या करते हैं। और वहां से बोलता कल आ जाना। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी हाजिर है और ये केक, और साथ में हमारे पास रसबेरी चीज केक भी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाया है। वाह सृष्टि जी, अरे वाह सृष्टि, एकदम तड़ाकेदार कॉफी बनाई, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारे फूफा बनाया करते हैं। थैंक यू बुआ जी। फूफा मतलब बुआ जी आप फूफा जी को भी काम पे लगा देती थी? हाँ ये तो कितनी अच्छी बात है। फूफा जी से मुझे कितना कुछ सीखना पड़ेगा। बताइए, आप तुमसे कॉफी बनवाती थी? और नहीं तो कहा, अरे 24 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिए हम तुम्हारे फूफा को। अब प्यार किए हैं तो जिंदगी भर जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। करेक्ट। जुर्माना तो भरना पड़ेगा। अरे प्यार से याद आया, कल का है जानते हो ना, याद तो है कल? हाँ हमें पता है बुआ जी, हमें सब याद है। कल जो है ना वो ये समझिए कि वो अंग्रेज लोगों का जो है ना करवा चौथ होता है, वैलेंटाइन डे, है ना। प्यार करने का दिन होता है मिस्टर जी, उस दिन ही बताया जाता है कि आप जो है किसी को कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम तो किचन से बाहर निकल गई। लेकिन किचन तुमसे बाहर क्यों नहीं निकलती है? इट्स नॉट वैलेंटाइन डे, इट्स वैलेंटाइंस डे मेरी जान, वैलेंटाइंस डे। ये बताओ कि कभी मनाए हो वैलेंटाइन डे? हुआ हम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन भैया तो जरूर लंदन में मनाए होंगे। वो काय, वैसे भी अंग्रेजों का त्योहार है ना। अरे नहीं नहीं, मैंने तो कभी वैलेंटाइन से मनाया नहीं। वो क्या हुआ ना, मैं तो शुरू से पेयर्स को देखता था, कपल्स को देखता था, सोचता था कि मेरा भी दिन आएगा, मैं भी वैलेंटाइंस डे बनाऊंगा, लेकिन मेरा तो कभी टाइम आया ही नहीं। हाँ भैया कितना झूठ बोल रहे हैं आप। वो आपको पता है भैया है ना, हमको वहाँ से फोन करके बता रहे थे कि गोरी मैम के साथ है ना बाहर घूमने गए थे और उनको है ना फूल वूल भी दिए थे। अब हाँ वो गोरी मैडम, मतलब वो जिनके यहाँ मैं काम करता था ना, वो जो मेरी मैडम थी उनको लेके गया था। वैलेंटाइंस डे था, वैलेंटाइंस डे वाले दिन उनको बाहर घुमाने लेके गया था, क्योंकि उनके पति जो थे वो बाहर गए थे। वो बेचारा बहुत सैड था। आपकी मैडम थी वो कितने साल की थी? स्वीट 81 इयर्स की ओल्ड। हाँ मतलब बुढ़ी थी। हाँ हाँ बुढ़ी थी। फिर बहुत अच्छा किया। हाँ। और सृष्टि तुम? हमने बुआ जी जब हम कॉलेज में थे ना तो एक लड़के ने हमारे लिए रोमांटिक शायरी बोली थी और साथ में हमें चॉकलेट भी दी थी। क्या बात! आपने तो कभी नहीं बताया हमें ये सब। पता है बुआ जी हमें भी याद आया, हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना ऊपर ना एक बार एक इंजीनियर आया था और वो हमें जो है गुलाब का फूल दिया। गुलाब का फूल? हाँ। तो फिर क्या हुआ? हाँ तो बहुत छुपे रिश्ते में निकले। बताओ ना क्या हुआ था आगे? फिर क्या होना था बुआ जी, लपड़ियाना शुरू किए ससुरे को। हाँ इतना मारते मारते उसके घर तक लेके गए, उसका टांग टूटा सो अलग, उसका जो गाल था ना उसके गुलाब के फूल से ज्यादा लाल कर दिया हम। पर आज तक पता है मिस्टर जी आज तक हमें क्या कहता है, दीदी जी। बिल्कुल सही। पर हम जो है ना वेलेंटाइन सेलेंटाइन नहीं मानते। तुमसे ना हमको यही उम्मीद था कि तुम यही करोगी। सृष्टि तुम क्या की? हम अपने वाले को अपने वाले के साथ, हमारा मतलब है कि हम उस लड़के को खींचते हुए प्रिंसिपल के रूम में लेकर गए, वहाँ खूब डांट पिटवाई उसे और सस्पेंड करवा दिया। आई एम श्योर उसके बाद उसने वैलेंटाइंस डे कभी सेलिब्रेट नहीं किया होगा। हम भी रागिनी की बात से सहमत हैं। हमें समझ नहीं आता ये वैलेंटाइंस डे, मतलब आम दिन तो आ नहीं सकते लेकिन वैलेंटाइंस के दिन उनको लाइसेंस मिल जाता है। मतलब थोड़ा प्यार हो, मोहब्बत हो, डिसेंसी हो, डिसिप्लिन हो। लेकिन तुम्हें ना उस ससुरे को खींचते हुए नहीं घसीटते हुए लेके जाना चाहिए था, तब उसको पता चलता। सही कहा बुआ जी, बहुत थक गए और नींद भी आ रहा है तो जाके सो जाते हैं। हाँ हमें भी नींद आ रही है, चलिए। शुभ रात्रि मिस्टर जी। शुभ रात्रि मित्र जी। गुड नाइट। तुम घबरा ना सुन के। हाँ यार दोनों भाई इतनी टेंशन में आ गए थे। अब लेकिन अब हमें लगता है कि वो दोनों हमारे लिए कुछ प्लान नहीं करने वाले। चलो ठीक है, अब वो हमारे लिए कुछ प्लान करे या ना करे हमें तो उनके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज सोचना पड़ेगा। लेकिन हम क्या सरप्राइज सोचे उनके लिए? इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। चलो दोनों मिलकर सोचते हैं। सोचते हैं। यार विशु, ये हमारी शादी कैसी लड़कियों से हो गई है। प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन मार कुटाई की बात करती है। पता लगे वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरे गाल में गुलाब से ज्यादा लाल हो गए तो मैं क्या करूंगा? तो भैया फिर आप भी ना दीदी दीदी चिल्लाते हुए भाभी के पीछे भागोगे। चलो फिर ये तो पता है हमको कि भाभी तो पैदाइशी ऐसी हैं, लेकिन सृष्टि जी हमें वो नहीं पता था कि वो भी इतनी खतरनाक निकलेंगी। अब क्या होगा? अरे मेरे दोनों प्यारे भतीजों के चेहरे पर 12 क्यों बजे? वो आपने सुना नहीं वो दोनों क्या कह रही थी? बिसू, अरे उनके कहने से क्या होता है, तुम दोनों तो प्यार करते हो ना अपनी बीवियों से, तो उनको बताना पड़ेगा कि तुम दोनों कितना प्यार करते हो और वो भी एकदम स्टाइल से। अब हाँ वो बता देंगे, लेकिन आई थिंक ये वैलेंटाइंस पे बताने वाला आइडिया इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इनको वैलेंटाइंस डे इतना एक्साइटिंग लगता नहीं है। ऊपर से वो मार कुटाई की बातें आपने सुनी ना। तुम दोनों भी ना मिट्टी के माधो, उन्हें हाथ तोड़ने की बात सोचने दो ना। तुम तो वो करो जिससे दिल से दिल जोड़ा जाता है। तुम दोनों मेरे भतीजे हो, दुनिया में किसी से कम थोड़ी ना हो। एक है गांव का कन्हैया तो दूसरा है लंदन का रोमियो। तो दिखा दो बेटा उन दो लड़कियों को कि प्यार कैसे किया जाता है। हुआ आपने ये सब बातें करके ना हमारी हिम्मत तो और बढ़ा दी। अब देखेगा कि वैलेंटाइंस डे उस दिन पर है ना हम सृष्टि जी को कितना बड़ा सरप्राइज देंगे। तो ये बात डन रही। अब वैलेंटाइंस डे वाले दिन जो है मैं रागिनी को सबसे अच्छा, अरे यार बेटा तुम क्या सरप्राइज देगा, सरप्राइज तो मैं दूंगा रागिनी को सबसे अच्छा वाला। नहीं भैया हमारा है ना अलग ही लेवल का सरप्राइज होगा, आप देखिएगा। अरे तुम्हारा अलग लेवल का होगा ना तो मेरा उस लेवल के भी ऊपर लेवल जाके सरप्राइज होगा रागिनी के लिए, तुम देखो तो सही। अच्छा तो फिर हो जाए चैलेंज। हाँ ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फिर देखिएगा भैया हमारा सरप्राइज है ना सबसे ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि है ना हम सृष्टि जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा अगर तुम सृष्टि जी के बारे में सब कुछ जानते हो, सृष्टि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, तो इसका मतलब मैं भी रागिनी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अब हमारा वैलेंटाइंस डे का जो रिजल्ट होगा वो हमारी बीवियों की खुशी डिसाइड करेगी। ओके ओके डन। वो दिख जाएगा भैया जब आपके गुलाब जैसे गाल आ जाएंगे ना। अच्छा मेरा गाल गुलाब जैसे लाल होगा ना, जब तुम टमाटर जैसे लाल होगे तब तुम्हारा क्या होगा? हाँ वो आप देखिएगा। इस साल का वैलेंटाइंस डे रागिनी कभी नहीं भूलेगी। हाँ फुआ आप देख लेना, कल का दिन सृष्टि जी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी। कल कल का दिन वो हमेशा याद रखेंगे। यस पार्टनर, यस पार्टनर। तुम दोनों ना अपनी बातों की तोप चलाना बंद करो और ये सोचो कि अपने प्यार की गुलेल से अपनी बीवियों के दिल का मटका कैसे फोड़ना। अरे वो आप समझिए कि वो मटका फूट गया। अब देखो विशु, तुम तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं, डन 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 डन। और आप हारने के लिए तैयार हो जाइए। अरे तुम दोनों का ये लड़ाई ना जारी रखो, हम जाते, हमें बहुत नींद आ रहा है। भैया तो हमें ना आपके होटल की छत पर एक अच्छी सी सजावट चाहिए। नहीं नहीं ज्यादा देर के लिए नहीं चाहिए। हाँ और है ना एक कमरा भी बुक कर दीजिएगा अच्छा वाला। हाँ 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 एकदम बॉनफायर सेट हो चाहिए। हाँ वो एकदम होता है ना रोमांटिक सा, खेत के पास। नहीं नहीं नहीं, नहीं कवर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तारों की छाँव में होना चाहिए। फुल ऑन स्टार्स इन द एयर। यस एकदम रोमांटिक सा। जी 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 ओके। बड़ा देर लगा दिया, हम काफी देर से ना इंतजार कर रहे थे। आई दुलरिया जाओ तो नहीं, अब मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो है। और हाँ वो कल हम ना अभिषेक ना करने गए थे सदाशिव मंदिर में, उसका प्रसाद भी लेकर आना है। बैठिए बैठिए। बड़की भाजी छोटकी भाजी मेहमान आए हैं, खाने पीने का सामान लेके आप प्रसाद ले आना। कल जो है हम शिव मंदिर ना गए थे तो बच्चों ने जहाँ अपना हाथ से अभिषेक किया था। अरे बच्चों से याद आया, तुम्हें पता है मिश्रा जी का बेटा है ना राजू, वो सिन्हा जी की बेटी के साथ चौराहे पर खड़ा होकर बर्फ का गोला खा रहा था। बर्फ के गोला कितना रुपया वाला, हमको बड़ा। और हाथ में वो दिल का गुब्बारा लिए खड़ा था। अरे बहन आज वो है ना क्या कहते हैं उनका, हाँ वैलेंटाइन। हाँ वैलेंटाइन, हम तुमको बताए थे प्रेम के देवता का आज उतने बाहर। अरे आजकल सारे लड़के लड़कियाँ यही सब करते हैं। अरे बच्चों पे कंट्रोल ही नहीं है माँ बाप का। अरे हम तो कहेंगे ना कमी जो है वो ऐसा माँ बाप में ही है, जो अपना बच्चा पर जो है अपना जोर नहीं चला सकते हैं। और हमको तो ना ऐसा लड़का लड़की जो बेशर्मी करता ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारे बच्चों को देखो, वो जो है हमारे घर का संस्कार के खिलाफ जो है बिल्कुल नहीं जाते। हम तो कहेंगे कि ये जो शादीशुदा जोड़ा है ना उसको भी जो है अपना हृदय में रहना चाहिए। हाँ लगाम खींचले है पूरा एकदम बढ़िया से। माँ ने तो हमारे सर पर संस्कारों का टोकरा ही रख दिया। हम तो सृष्टि जी को बाहर ले जाना चाहते थे, अब कैसे करेंगे ये सब। अरे हाँ मैं तारों की छाव में रागिनी के लिए पोएम पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। और ये माँ हमेशा मेरे प्यार के बीच में क्यों आ जाती है यार। भाषण देना आसान होता है, तुम्हें ही देख लो, तुम्हारा बड़ा बेटा लंदन से पढ़ के आया है और छोटी बहू वकील है, अंग्रेजी भी बोलती है और नए नए फैशन भी करती है। हाँ? अरे बहन फैशन वाली तो हमारी रेवती बहन भी है। अरे मोबाइल में उसका वो फोटो नहीं देखिएगा। कहे तो दिए थे सखी सहेली में को कुरियर वाला जो है उसी का ना गलती था है। अरे बहन हम तो हंसी ठिठोली कर रहे थे और क्या। ठीक है आप लोग भी आई दुलारी आज जाओ तनी देखो। हाँ हाँ तो ले आओ बड़की भाऊजी जल्दी से। हमें पता है तुम बड़ी ही ना संस्कारी हो और तुम्हारे बच्चे भी बहुत ही संस्कारी हैं। हाँ बबुआ लोग तो आजो के दिन घरे में है या कहीं नहीं गया है। अच्छी बात है ना, वही तो एकदम सही कह रही है दुलारिया। हमारे दोनों बेटा जो है ना अनुराग और विशु घर का संस्कार के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। घर का संस्कार और इज्जत का है ना वो लोग बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत बढ़िया बात है बहन, बहुत बढ़िया। दुलरिया तनी जाके देखो, अब मेहमानों को इंतजार करवाना अच्छा थोड़ी है। देखो क्या हो रहा है। और इसे भी लोग चाय पीने थोड़े आए, बतियाने आए हैं ना, बाकी हम देखाते हैं ना। हाँ देख के आते हैं, कोई बात नहीं। सृष्टि जी और भाभी दोनों अपने काम में बिजी होंगी, हम फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं। तो फिर रागिनी तुमने क्या सोचा, क्या करने वाली हो वैलेंटाइन पर? वैलेंटाइन में पहले तुम बताओ, तुम क्या तैयारी की हो? हमने सोचा है कि हम खूबसूरत सी साड़ी पहनेंगे, अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगे। अब हमने विशु जी के लिए अपने हाथों से एक कार्ड बनाया है, आई होप कि उनको अच्छा लगे। और तुम अपने हाथों से बनाई हो? का मतलब है कि तुम्हारा जो मोहब्बत है ना वो फुल ऑन एक्सप्रेस स्पीड में चल रहा है, बता रहे हैं। अब वैसे हम भी ना कुछ कमाल करने का सोच रहे हैं। कैसा कमाल? अभी कहा ना कि अभी सोच रहे हैं, अभी कुछ तो ना छटाकेदारी करना है। अच्छा, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत, इरादे क्या हैं? अपुआ हमारी कितना डींग हाँक रही थी कि ओकर बच्चा सब वेलेंटाइन डे नहीं जानता है कि यह दोनों भौजी लोग प्लानिंग कर रही है वेलेंटाइन डे का। अपुआ को बताना होगा जल्दी से।